लिखा लीलार हमरे जाव जह पाओ। कितना भी सोच के विवाह कर दो, बड़े से बड़ा घर ढूंढ लो, पर यदि पुत्री के भाग्य में दुख लिखा है तो उन पैसे वालों में भी जाके सुखी नहीं होगी, शांति नहीं मिलेगी उसे, सुख नहीं मिलेगा। और यदि उसके भाग्य में सुख लिखा है तो किसी गरीब के साथ भी विवाह कर दो, वहां भी सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा और कन्या सुखी रहेगी। ये माँ पार्वती का उपदेश था कि यदि मेरे भाग्य में सुख लिखा है तो बावले के साथ भी सुखी रहूंगी। और उसका प्रत्यक्ष फल कि आज घर घर में पूजी जा रही है। और यदि मेरे भाग्य में सुख नहीं है तो कहीं भी बड़े से बड़े पैसे वाले के साथ विवाह कर दो, दुख ही मिलेगा। इसलिए जब लड़की रजस्वला होने लगे तो उसे ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए, ये कैरियर कुछ काम नहीं आएगा। हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, एक गिलहरी की पीठ पर अखरोट गिरा, वो चिल्लाई आकाश गिर रहा है आकाश गिर रहा है। खरगोश ने पूछा क्या गिर रहा है, बोले आकाश। खरगोश भी चिल्लाने लगा आकाश गिर रहा है आकाश गिर रहा है। उसके बाद लोमड़ी ने पूछा क्या हुआ, बोले आकाश गिर रहा है भागो, भागने लगे। कुत्ते ने पूछा क्या हुआ, बोले आकाश गिर रहा है भागो। सियार ने पूछा क्या हुआ, आकाश गिर रहा है भागो। गधे ने पूछा क्या हुआ, बोले आकाश गिर रहा है भागो। घोड़े ने पूछा आकाश गिर रहा है भागो, किसी ने सुना नहीं क्या गिर रहा है। एक ने कह दिया आकाश गिर रहा है भागो भागो। हाथी ने सुना, बोले क्या बात है, बोले भागो आकाश गिर रहा है। हाथी भी भाग गया। अब शेर के पास सारे जानवर गए, बोले क्या हुआ, बोले आकाश गिर रहा है भागो। शेर ने कहा किसने देखा आकाश गिर रहा है, बोले हाथी ने। हाथी से पूछा तैने किससे सुना, बोले भैंसा से। भैंसा से पूछा तैने किससे सुना, बोले गधे से। गधे से पूछा तैने किससे सुना, बोले सियार से। सियार से पूछा तैने कब देखा आकाश गिर रहा है, बोले कुत्ते ने कहा था। कुत्ते से पूछा तैने देखा आकाश गिर रहा है, बोले नहीं नहीं हमसे तो लोमड़ी ने कहा था। जब लोमड़ी से पूछा आकाश गिर रहा तैने देखा, बोले नहीं खरगोश कह रहा था। खरगोश से पूछा आकाश गिरा तैने देखा, बोले नहीं गिलहरी कह रही थी। गिलहरी से पूछा तैने देखा आकाश गिर रहा है, बोले हाँ दिखाऊं। जब दिखाया तो इतना बड़ा अखरोट उसकी पीठ पे गिरा था, आकाश गिर गया। ऐसे ही आज लड़की भी चिल्ला रही है कैरियर कैरियर, लड़का भी चिल्ला रहा है कैरियर कैरियर, बड़ा भी चिल्ला रहा है कैरियर कैरियर, बूढ़ा भी चिल्ला रहा है कैरियर कैरियर। भाई ये कैरियर क्या बवाल है, इसका क्या सुख है, क्या आनंद है, कोई जानता है। एक के पीछे भागे जा रहे हैं, भागो कैरियर कैरियर कैरियर, चाहे आंख फूट रही है, पैर टूट रहे हैं, समय से पहले मृत्यु आ रही है। उस कैरियर का मतलब तो कोई जानता नहीं है। हम नहीं पढ़ेंगे तो कैरियर बिगड़ जाएगा, हम नहीं कमाएंगे तो कैरियर बिगड़ जाएगा। चाहे भले ही आंख चली गई, समय से पहले बुढ़ापा आ गया, पलस्तर पोतने लगे, समय से पहले चारपाई में चले गए, उस कैरियर का क्या फल मिला। इसलिए माँ पार्वती कहती हैं जब लड़की रजस्वला हो जाए तुरंत उसकी शादी करो। यदि उसके भाग्य में सुख होगा तो जहां जाएगी वहां सुखी रहेगी, और यदि उसके भाग्य में दुख होगा तो कहीं भी भेज देना, कोई कैरियर काम नहीं आएगा, सब चौपट होके वहां दुख ही दुख मिलेगा। तुम सन मिट ही के विधि के अंकार, तुम सन मिट ही के विधि के अंकार, मां तू व्यर्थ जन ले हो कलंकार, मां व्यर्थ जन ले हो कलंकार। आज से 20 साल पहले तलाक का एक या दो केस होता था, आज 75% शादी पहली डिवोर्स में बदल जाती है। क्यों? आप सब तो पढ़ लिख के उन्नति कर रहे हो, फिर ऐसा पशु समाज कहां से पैदा हो रहा है कि शादी के
साल भर में डिवोर्स हो जाता है, इसीलिए कि ये कैरियर चौपट कर रहा है। पहले पति कमाता था, पत्नी उसके साथ रहती थी, आज पति कमा रहा है, पत्नी भी कमा रही है, दोनों का अभिमान टकराता है। बोले हम तुझसे कम नहीं, हम तुझसे कम नहीं। शादी पीछे हुई, तलाक की नौबत पहले आ गई। इसलिए समझिए, शिक्षा वो होती है जो घर बसाए, शिक्षा वो होती है जो शांति लाए, शिक्षा वो होती है जो स्वास्थ्य दे। जो शिक्षा घर का नाश कर दे, जो शिक्षा घरों की शांति छीन ले, जो शिक्षा समय से पहले रोगी बना दे, क्या वो शिक्षा है? और हम सब उसी के पीछे भाग रहे हैं। पहले इतना क्लेश घरों में नहीं था, आज पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है। पहले 100 आदमी का परिवार एक होके रहता था, फिर भाई भाई बटने लगे, फिर माता पिता से अलग हो गए, आज पति पत्नी भी अलग रहने लगे। ये किसका परिणाम है? आधुनिक शिक्षा का। और अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर्तन बार बार। अभी भी यदि नहीं संभले तो फिर कभी नहीं संभल सकते। इसलिए माँ पार्वती का संदेश याद रखो, वरों सम्मुनत रहो, कुंवारी ब्याह होगा तो शंकर जी से होगा, अन्यथा नहीं। और हमारा समय पूर्ण हो रहा है, कुशदेव जी एक भजन सुनाएंगे, आरती होगी और आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है। जय शिव। हरि हमारे भोले बाबा को, हमारे शंकर बाबा को, अनाड़ी न समझो। हमारे भोले बाबा को, अनाड़ी न समझो। हमारे भोले बाबा को, अनाड़ी न समझो। अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो, हमारे भोले बाबा को, अनाड़ी न समझो। जब भूत प्रेत भोले बाबा की बारात में शामिल हुए तो अपने भोले बाबा के श्रृंगार को करके और कहते हैं कि हमारे भोले बाबा को कोई अनाड़ी न समझे। हमारे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, हमारे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, हमारे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, हमारे भोले बाबा के हाथ में है डमरू। और डमरू को देख के, हाँ डमरू को देख के मदारी न समझो, डमरू को देख के मदारी न समझो। हमारे भोले बाबा को, हमारे शंकर बाबा को, अनाड़ी न समझो। हमारे भोले बाबा को, अनाड़ी ए भोले। मेरे भाई बहन, मीठी मीठी ताली सेवा करें, भगवान शिव का विवाह हो रहा है। हमारे भोले बाबा की कमर में पागंबर, हमारे भोले बाबा की कमर में पागंबर, हमारे भोले बाबा के कमर में पागंबर, हमारे भोले बाबा के कमर में पागंबर। पागंबर को देख के, पागंबर को देख के शिकारी न समझो, पागंबर को देख के शिकारी। हमारे भोले बाबा को, अनाड़ी न समझो, हमारे भोले बाबा को, अनाड़ी ए भोले। हमारे
ताली सेवा सभी करेंगे बड़ी मस्ती के साथ आपके सन्मुख साक्षात भगवान राम जी का स्वरूप श्री राम चरित मानस। राम राम सिया राम, सिया राम राम जय राम। राम राम सिया राम, सिया राम राम जय राम। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। आरती श्री राम Yeah.
पताल तोरे जब कारे रावण की भुजा मारे, पाए भुजा असुर दल मारे।